विद्या मंदिर में एक बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि क्लास में एक बच्चा गाना गा रहा था, उसे देखकर ये बच्चा हंस गया। बस इतनी सी बात थी, इस पर उसे बच्चे को अनाउंस करके रोक लिया गया और उस बच्चे को डंडे से मारा गया, उसे धक्का दिया गया जिससे उसका बैग गिर गया। क्या हंसना इतनी बड़ी वजह हो सकती है जबकि दूसरे बच्चों को सिर्फ दो दो डंडे मारे गए? आखिर इस बच्चे की कौन सी ऐसी गलती थी जो प्रधानाचार्य ने इतना मारा, या ये बच्चा कुछ झूठ बोल रहा है जो बाद में सामने आएगा? बैभव का ये भी कहना है, जब वह अपनी मम्मी के साथ स्कूल गया तो उसकी मम्मी के साथ भी प्रधानाचार्य ने बुरा बर्ताव किया। जब प्रधानाचार्य जी ने इससे पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। में आपके द्वारा नाम लिया जा रहा है, क्या कहना है आपको इस बारे में? क्या हुआ था, क्या प्रकरण था, क्या मामला है पूरा? प्रकरण ये था कि तीन चार बच्चों का ये इस तरह का क्लास में वो डिस्टर्ब ज़्यादा करते थे। तो नाचार जी ने मुझे जानकारी दी, तो पांच सात बच्चे थे, ये दो दो घंटे उनको लगे जी, लेकिन इस बच्चे ने थोड़ी सी मतलब सीमा लांघी, मर्यादा लांघी। क्या किया उस बच्चे ने ऐसा? बच्चे ने ये किया कि जब उसके मैंने डांटा उसको, तो उसने बैग फेंका कि कैसे मारा आपने, जब हम हमें अपने पिताजी को बुला के ला रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आगे इसमें आ गए, उसके दो ज़्यादा लग गए। अच्छा, पेपर में ऐसा लिखा है कि वो माँ ने इतनी बहरमी से मारा कि उसके डंडे टूट गए फिर? नहीं, हाँ तो बच्चे भी काफ़ी मारा, बच्चे भी थे यहाँ, ये और भी थे, अपने आचार्य भी थे, सारा इस तरह के हो रहे थे। नहीं, हमारा काम तो बच्चे को मारने का थोड़े है, हमारी उससे व्यक्ति का दुश्मन जी जी, हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं जी। हमारा तो उद्देश्य ये है कि भाई बच्चे को सुधारना चाहिए, उससे उजाला छोड़ दे जी, उससे हमें कोई व्यक्ति का दुश्मन थोड़ा ही निकाल लिया किसी से, ना हमारा कोई किसी से हुआ है, हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। नहीं, ऐसा कारण क्या रहा कि मतलब उसकी मार लगी, उसने ऐसी क्या शैतानी की थी, कोई अभद्रता किस तरीके की थी? हाँ, वो तो पांच बच्चे और थे, पांच बच्चे और थे। अच्छा, तो हमें इससे कोई व्यक्तिगत बड़े डिसीजन लगी कोई नहीं, वही विद्यालय में रह करके हमें कोई डिसीजन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती किसी की, ना आचार्य की होती है ना किसी आचार्य की होती है। उसके शरीर पर तो काफ़ी निशान है, चोटों पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई, तो इतना मारा गया है कि उसको मतलब इतनी चोटें आई, काफ़ी चोटें आई उसके शरीर पर? ना, वो दो लगे सबके सामने, यहाँ लगे, उसके दो ज़्यादा लगे, ये तो मलन हो सकता है। उसमें ऐसा लिखा है कि डंडे से जिससे मारा गया है वो डंडा भी टूट गया, मतलब इतना मारा गया है? मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं है, ये तो सराश ला गया वैसे ही। उसकी माँ शिकायत लेके, क्या नाम बेटा आपका? वैभव भारद्वाज। कहाँ पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। बेटे, कल क्यों मारा आपको प्रधानाचार्य जी ने, क्या हुआ था, पूरा बात बताओ। कल एक पीरियड खाली था जिसके कारण एक लड़का गाना गा रहा था और मैं उसे देखकर हंस गया और अनाउंसमेंट कर मुझे नीचे रोक लिया गया और मुझे मारा डंडों से, थोड़ा नहीं बहुत मारा, बाकी जो बच्चे उनके दो दो डंडे लगाए, मेरे 10-15 डंडे लगाकर डंडे तोड़ दिए। और उन्होंने, एक सर ने ये भी कहा था जिनका नाम रामदेव सर है, इन्होंने ये कहा था कि ये एक बार अपने माता पिता को और बुला लाया है इसलिए इसे और मारो। उन्होंने इसके खुंदक में भी बहुत मारा, मुझे एक डंडा मारते मारते तोड़ दिया और फिर मैंने कहा पापा को बुला कर लाऊंगा, फिर उन्होंने और खुंदक खा के बोले यही तो बच्चे होते हैं जो बिगड़ते हैं और फिर मुझे धक्का देकर आगे दिया और बैग गिर गया, जिसके कारण मेरा बैग गिर गया और कहा इन्होंने बैग फेंक दिया। फिर आप मम्मी को बुला के ले गए तो फिर क्या कहा उन्होंने? फिर मैं अपनी मम्मी को बुला कर लेके गया तो ये कहा आपके अपने लड़के की सिफारिश लेकर आ गई, तो मम्मी ने कहा सिफारिश की कोई बात नहीं है इसलिए मैं आई हूँ जो कि आप मेरे बच्चे की कोई दिखा सकें क्या गलती की है। तो उन्होंने कहा आप कल को आना कॉलेज टाइम में, तो मैं दिखाऊंगा आपको चेक क्या गलती है। बोले आ जाते हैं लोग बार अपने बच्चे की सिफारिश लेकर, और मेरी मम्मी से उल्टा सीधा बोलने लगी, ये कह रहे थे कि अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसका सिर फोड़ देता और नन्हे नन्हे टुकड़े कर देता, ये अब कल को आएगा तो देखना इसकी बताऊंगा, देखो नन्हे टुकड़े और कर दूंगा सिर फोड़।